एवरीवन, माय नेम इज अफताब अबन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, इसे आप कोई बिजनेस प्लान या कोई बिजनेस आइडिया कह सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसके करते हुए आप इस आइडिया की मदद से अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। इस वीडियो को खास तौर पर मैं आज उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में मौजूद राइड हेलिंग कंपनीज यानी उबर करीम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को उबर या करीम की जानब से अपनी अर्निंग को लेके काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उबर करीम की जानब से जो बोनसेस या स्कीम्स या फिर जो गारंटीज इनको दी जाती थी, उनको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और ये बोनसेस या फिर ये स्कीम्स एक वक्त में इनकी जो टोटल अर्निंग है उसमें इसका एक अच्छा खासा शेयर हुआ करता था। उबर या करीम ने ऐसा क्यों किया, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो दो मेन रीजंस हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि उबर और करीम का मर्जर। उबर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने करीम को एक्वायर कर लिया। अब पाकिस्तान में ये दोनों ज़ाहिर तो डिफरेंट नाम से काम कर रही हैं, लेकिन ये दोनों ही एक कंपनीज हैं। इनके लेवल का कोई कंपेटिटर मार्केट में मौजूद ही नहीं है, तो इन्होंने अपनी ही मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। इसकी जो दूसरी एक बड़ी रीज़न हो सकती है वो ये है कि इस कोरोना लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की ऑब्वियसली जॉब चली गई। तो जॉब जाने की वजह से मार्केट में मौजूद जो लोगों के पास ऑप्शंस थे अर्निंग के, वो इस तरह के ऑप्शंस मौजूद थे, तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में फ्री भी थे तो इस तरह स्विच करना शुरू कर दिए। जब करीम के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल्स उनकी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि ये भी बेसिकली एक मार्केट में ना डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम कर रहे हैं, कि उनके पास अगर एक माह में जो राइड्स हैं वो 1 लाख राइड्स फॉर एग्जांपल आती हैं, तो उसको सर्व करने के लिए उनके पास 100% या फिर उससे भी ज़्यादा कैपिटल ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इस तरफ वो इतने फोकस्ड नहीं है और ख़ुद की अर्निंग करने में मसरूफ़ हैं। और कोई भी कंपनी ऐसी सूरत में प्रॉफिट कमाएगी और अपनी अर्निंग की तरफ ध्यान करेगी और उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी, और वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एक कैप्टन अपनी अर्निंग को किस तरह से दोबारा उस लेवल पे मेंटेन करें, अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, इसी जगह पे काम करते हुए, इन्हीं टाइमिंग्स में अपनी आमदनी को अब कैसे बढ़ाएं। तो आपको करना क्या होगा, आपको आपके साथ जो राइट पे जो कस्टमर आता है, आपको उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पर काम करके उससे पैसे कमाने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ये जो काम है एफिलिएट मार्केटिंग, ये रोज़मर्रा आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आप इसे देख रहे हैं। मैं आपको चंद एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेलर और बायर के बीच में एक टाई अप करवाते हैं, एक डील करवाते हैं। जैसे ही वो डील क्लोज होती है तो उसका एक कमीशन दोनों साइड से वो चार्ज करते हैं। तो इस सूरत में आप जरा देखिए कि जो प्रॉपर्टी है या फिर जो प्लाट है, जो प्रॉपर्टी है वो ओनर की है, वो इन्वेस्टमेंट उसकी है, और जो बायर है वो इसे परचेज करने वाला है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर की 0% इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल किसी इन्वेस्टमेंट के बगैर, किसी सरमायाकारी के बगैर वो दोनों का टाई अप करा के भी पैसे कमा रहा है। और इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है वो ये है कि कार डीलर्स या फिर जो शोरूम्स वाले होते हैं, वो उनके शोरूम पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उनकी अपनी नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में उनकी बिल्कुल भी अपनी नहीं होती, वो जो थर्ड पार्टी होती है उसकी गाड़ी होती है, और वो बायर से उसका टाई अप करवाते हैं। टाई अप करवाने के बाद दोनों साइड से एक कमीशन चार्ज करते हैं जो कि उनकी अर्निंग होती है। क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग कब काम आती है, ये तभी तो काम आती है जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता, और जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, तब आपके पास आप खुद ज़रूर होते हैं। तो आप अपनी स्किल्स को और अपने आप को इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म में रहते हुए पैसा कमा सकते हैं। आपको बस करना ही है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट से टाई अप करना है, किसी भी कंपनी जो लोकल आपके इर्द गिर्द जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उनसे टाई अप करना है। और टाई अप करने के बाद आप जब राइड लेते हैं, जब आपके पास कस्टमर आता है जो कि क्रीम का कस्टमर होता है, आपके पास जब कस्टमर आता है तो राइड के दौरान आप अपना कोई कार्ड या फिर अपना कोई पंफलेट जो उस कंपनी का भी हो सकता है या फिर आपका अपना भी हो सकता है, आप उससे बता सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में डील भी करते हैं, तो आपको अगर फर्दर अपनी मतलब लाइफ में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी की सेल्स में इजाफा होगा, उसे एक क्लाइंट मिलेगा, उस कंपनी की सेल्स में इजाफा होगा, और उसके अगेंस्ट आप उस कंपनी से सेल्स के अगेंस्ट आप कमीशन चार्ज कर सकते हैं। मैं आगे जाके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा कि आप किन लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, आपको इससे थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ और या क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ।
अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं सबसे पहले भी इसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप कोई देख सकते हैं कोई ऐसी सोसाइटी आपके इर्द गिर्द जो बन रही है, जो नई सोसाइटी हो, लेकिन उसकी प्लाट्स की डिटेल आप ले सकते हैं कि वो प्लाट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर या फिर कैश के ऊपर किस तरह से है। तो आप अपना एक बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी जो जो सोसाइटी है उसके प्लाट्स की सेल्स में, जो उनकी सेल्स है उसमें इजाफा कर सकते हैं। आप जितने भी क्लाइंट्स आपके पास, जितने भी कस्टमर आते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास ये प्लाट्स की डिटेल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप वहाँ पे जो है ना वो प्लाट्स को बाय कर सकते हैं, फर्दर आप रेजिडेंस के लिए या फिर जैसे भी उसे इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसी सूरत में आप उसे प्लाट को सेल करके उस कस्टमर को एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्लान है कि आप जरा देखिए कि आपके पास एक दिन में आप 10 राइड्स लेते हैं, 10 कस्टमर आपके पास आते हैं, तो इस तरह से महीने में आपके पास 300 कस्टमर है। आपने 300 कस्टमर को इस प्लान के बारे में बताना है, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, अपनी इस जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं इसके बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल प्लाट्स की बात हम कर रहे हैं तो प्लाट के बारे में आपको उसको बताना है। तो आप देखिए कि 300 कस्टमर में अगर आपके दो कस्टमर भी, मैं इसे बहुत कम तादाद में ले आता हूँ, दो या एक कस्टमर भी आपका क्लाइंट बन जाता है, आपसे डील क्लोज करता है, तो उस माह में जितने आप बोनसेस क्रीम से कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, अपने इस काम के थ्रू उन कस्टमर से पैसा कमा सकते हैं। इसकी फर्दर एग्जांपल, दूसरी बड़ी एग्जांपल इसको ले सकते हैं कि आप इसकी किसी भी रेस्टोरेंट, जो आपके सिटी में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनको देखें, उनके साथ टाई अप करें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं, उनके ब्रोशर्स या पंफलेट अपने डैशबोर्ड पे रखें, उनकी एक कोई अच्छी स्कीम्स या प्रमोशन आ रही हैं, ठीक है, जो फैमिलीज के लिए होती हैं या फिर उस तरह से, वो उनके बारे में जानें और कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को जो आपके पास आते हैं उनको बताएं उनके बारे में। उनकी आपकी वजह से जो उनके पास क्लाइंट्स जाएंगे उस प्रमोशन जो उनकी जो स्कीम्स चल रही है उसको लेने के लिए, तो उसके अगेंस्ट आप उस रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज कर सकते हैं। इसकी फर्दर अगर एग्जांपल्स को देखें तो इसकी एग्जांपल एक ये भी हो सकती है कि आप ये अगर आप सिटीज़ की बात करें तो हर शहर में इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कंपनीज काम कर रही हैं, उन्हें बर्थडे इवेंट या फिर छोटे छोटे वेडिंग जो प्लानिंग करते हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए ना, कोई फंक्शन प्लान करना है तो वो इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट वाले ना, वो बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। आप उनके साथ भी दो तीन कंपनीज के साथ टाइप कर सकती हैं जो कि ज़रा अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी रेपो या प्रोफाइल अच्छी है, आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं। तो आप कस्टमर्स को जो आपके साथ आते हैं उनको उनके बारे में बता सकते हैं, तो आपकी वजह से उनके अगर अपकमिंग उनका कोई इवेंट आने वाला है उससे जो उनको उनके साथ टाई अप करवा सकते हैं, जो इवेंट उनका आने वाला है वो उनको सर्विसेज देंगे। आपको इस पे कुछ भी नहीं करना, आपको अपना एक प्लान अपने कस्टमर को बता देना है। कस्टमर अगर उस चीज़ को लेने की कोशिश करता है या फिर आपसे बात करता है तो आपको वही कस्टमर हैंड ओवर करना है अपनी जो जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो कंपनी ने इवेंट प्लान करना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है, कौन सी चीज़ उनको शार्ट पड़ रही है, उनके पास मैन पावर पूरी है नहीं, वो दिन को काम कर रहे हैं शाम को काम कर रहे हैं, इस चीज़ से आपकी कोई टेंशन नहीं होगी। आपने सिर्फ एक डील करवानी है, उनका इंट्रैक्शन करवाना है, उसके आपने एक पैसे चार्ज कर लेने हैं। इसके अलावा इसकी कुछ और एग्जांपल हो सकती हैं, ये काफ़ी अच्छी इस सूरत में है कि आपका ये खुद का बिजनेस बूस्ट होने में, मतलब इससे पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोगों के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखेंगे आप अगर खुद की प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, लेट से किसी एक ग्रॉसरी में किसी एक आइटम को ले लें, आप राइस को ले लें या फिर वीट को ले लें, जो देसी गंदम है, आप जो गांव के एरियाज हैं वहाँ से आप देसी गंदम लेके उसे ले ना पहले, लेकिन पहले आप अपने कस्टमर से बात करें, उन्हें बताएं उसके बारे में, हम आपको देसी गंदम या फिर फलां जो अच्छा चावल है वो हम आपको दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप अपनी जो उसकी पैकिंग है वो अपने नाम से, अपनी ब्रांडिंग से करके उनके हैंड ओवर कर सकते हैं जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक दफ़ा आपका क्लाइंट बन चुका है आपसे, आपका बिजनेस कार्ड उसने ले लिया एक महीने में या पहले महीने में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर महीने में आपके साथ राइड पे आएगा, लेकिन यह कि वो अगर वो आपका क्लाइंट बन गया तो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो इससे ये होगा कि आप कल को क्रीम को अगर छोड़ भी देते हैं तो आपका खुद का एक कॉन्टैक्ट डिटेल बन जाएगी पूरी, तो आपका खुद का एक बिजनेस डेवलप हुआ होगा, आपके पास क्लाइंट्स होंगे जिनको आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है ना सप्लाई कर रहे होंगे अपने नाम से। इस तरह की काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप कैटरिंग वाले से बात कर सकते हैं या फिर जो फोटोशूट करने वाले होते हैं उनसे बात कर सकते हैं कि उनके लिए आप लोगों के जो इवेंट्स आ रहे हैं उनकी जो फोटोशूट होता है उसके लिए आप उनके सेल्स जनरेट करके अपने जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जैसे किया होगा उसको बता सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप उनसे जो है ना कमीशन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मेरी ये मतलब एज ए रिक्वेस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, जिसका गैप अभी पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद है। ठीक है,
इस कॉन्सेप्ट का अभी गैप मौजूद है, तो इसके लिए बहुत से लोग इसको काम कर इस पे काम करने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों के लिए इसके इसके ऊपर मौके भी हैं। लेकिन जब कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या शॉर्टकट की वजह से इस प्लान से या इस कॉन्सेप्ट की मदद से लोगों को फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे या डॉज की मदद से उनके कुछ पैसे खाने की कोशिश करेंगे या किसी शॉर्टकट के चक्कर में बढ़ेंगे, तो उससे नुकसान पता क्या होगा? उससे इस पूरी कम्युनिटी को नुकसान होगा, जो कैप्टन्स की कम्युनिटी है पूरी, उसको नुकसान होगा, उसका ट्रस्ट लूज होगा लोगों के ऊपर से। तो लोग जो ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर से लोगों का जब जो ट्रस्ट लूज हो जाएगा, तो लोग किसी भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे भी टाई अप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। एवन जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो चिपकाने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरह से किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो मेरी इस चीज़ के बारे में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और जो लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, अगर आप खुद की प्रोडक्ट करने वाले हैं, खुद की प्रोडक्ट को लेकर एफिलिएट करेंगे, तो भी अच्छी बात है। आप अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे ताकि एक अच्छा इमेज डेवलप हो सके इस पूरी कम्युनिटी का ना। तो जो लोग डिफरेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे फोटोशूट के लिए या फिर इवेंट मैनेजमेंट के लिए या फिर रेस्टोरेंट्स के लिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें भी हाथ से रखिएगा। जिस बंदे की प्रोडक्ट्स या जिस कंपनी की प्रोडक्ट्स आप जो सर्विस को प्रमोट करने जा रहे हैं वो अच्छे हों, वो अच्छी रेपुटेशन और अच्छी प्रोफाइल के साथ मार्केट में काम कर रहे हों, जितने अच्छे होंगे आपका क्लाइंट उतना ही हैप्पी होगा। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर से लोगों का जो ट्रस्ट है वो इस काम से लूज हो जाए और एक इस कम्युनिटी का एक इमेज इस मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट करना चाह रहे हैं या फिर कौन सी प्रोडक्ट आपको लगता है कि सबसे बेहतर है इस काम के लिए। तो अपने बिजनेस ग्रोथ और इनोवेटिव आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। Until the next time, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।